अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इट्स अ वेरी गुड डे फॉर ट्रैवलिंग। और साथ में आज हम रिव्यू कर रहे हैं एसी स्टैंडर्ड कोच का। एसी स्टैंडर्ड कोच बिल्कुल न्यू कोच है जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। देखें अभी इसके ऊपर से जो शॉपर्स वगैरह हैं वो भी नहीं सीट से हटाए गए। जितनी भी सीट्स हैं वो टोटली वेलवेट की हैं। लेफ्ट साइड पे कैबिन है और राइट साइड पे आप देख सकते हैं सिंगल सीट्स हैं। ये वेलवेट बहुत कम्फर्टेबल और प्रीमियम फील होता है। और अगर आप एसी की बात करें तो इसमें एक कंप्रेसर जो है वो तकरीबन 52,000 BTU का होता है और 12,000 BTU पे एक टन बनता है। यानी एक कंप्रेसर तकरीबन 4.25 टन का बनता है। और पूरी कोच के अंदर 4 कंप्रेसर होते हैं जिनको इकट्ठा करके आपका तकरीबन 8.5 और 17 टन जो है वो कूलिंग कैपेसिटी बनती है एक कोच की। तो ये काफ़ी ज़्यादा कूलिंग है। आप जब भी इसमें ट्रैवल करें तो याद रखें कि अपने साथ एक चादर जरूर रखें क्योंकि आपको सोते वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगेगी। ये मेरे सामने कैबिन है जिसमें एक छोटी सी टेबल है जो खाना खाने के लिए या सामान रखने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके ऊपर एक फ़ैन है और फ़ैन के साथ एक लाइट है और साथ एक डिफ्यूज़र है जिसमें से कूलिंग जो है वो अंदर आती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जितने भी कोचेज़ हैं ये वाली एसी स्टैंडर्ड कोचेज ये लॉन्ग रूट पर वर्क करती हैं। लाइक पिशावर से कोयटा के लिए जाफर एक्सप्रेस में, लाहौर से कराची के लिए ट्रेन में, जैसे तेजगाम हो गई, आपकी कराची एक्सप्रेस वगैरह होगी, अवामी हो गई, खैबर मेल हो गई, और शॉर्ट रोड जो है लाहौर से रावलपिंडी वगैरह उनमें जो है ना ये वाली कोचेज नहीं होती। वहाँ 2% ऑक्यूपेंसी वाली दो दो सीटों वाली पार्लर कार टाइप सीट्स होती हैं। ये यहाँ पे सिंगल सीट्स का सेटअप है। ये दो बंदों के बैठने की आमने सामने सीट है जिस तरह ये टैग लगा हुआ है 59 और 60। यानी दो बंदे आमने सामने बैठ सकते हैं और दरमियान में एक फोल्डिंग है। ये फोल्डिंग इस वक्त आमने सामने बंदे जो बैठे होंगे उनके दरमियान में है और एक लॉक है। इसको आप ये चेक कर सकते हैं। इसको अनलॉक करने का तरीका यह है कि इसको नीचे से ऊपर की तरफ आप पुश करेंगे बिल्कुल ऐसे और ये अनफोल्ड हो जाएगी और अब ये एक बंदे के लेटने की प्रॉपर जगह बन गई है। और जो दूसरा बंदा है वो ऊपर आराम से लेट सकता है इसको अनफोल्ड करके। तो इस तरह ये दो बंदों की ऑक्यूपेंसी बनती है सिंगल सीट्स को कन्वर्ट करके। तो जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें तो ये दो सीट्स तो दो बंदों के लिए बहुत हैं। आपको जो है वो साथ वाला कैबिन जो है अगर 3 या 3 से ज़्यादा पैसेंजर हो तो वो दिया जाता है। तो लाइक 6 बंदे हों तो फिर तो अच्छी बात है, ये पूरी फैमिली के लिए हो जाता है। बस आगे एक कर्टन की कमी है, वो भी प्राइवेट सेक्टर के जो कोचेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होपफुली वो गवर्नमेंट वाली जो ट्रेन है उनमें भी आ जाएगी। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट लाइक ऑन माय वीडियोस एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो है बिज़नेस क्लास कोच का रिव्यू किया जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।